जय हिंद दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्लेमिंग रूल के बारे में जानेंगे। देखिएगा वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो 100% मेरा दावा है आज के बाद जो है कभी भी आप जो है फ्लेमिंग रूल से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछे तो आप भूलिएगा नहीं। देखिएगा थोड़ा सा बैकग्राउंड में हो सकता है आपको साउंड दिखे, साउंड आपको दिक्कत कर रहा होगा, लेकिन देखिएगा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है इसीलिए थोड़ा सा आज भर थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज करके चलना चाहिए। देखिएगा समझिएगा यहाँ पे फ्लेमिंग रूल हम लोग समझते हैं। जो चैनल पर न्यू है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हर तरह का नोटिफिकेशन आपको मोबाइल पे मिलता रहे। वीडियो को पूरा देखना है, स्किप बिल्कुल मत करिएगा तो ही समझिएगा। आइए हम लोग फ्लेमिंग रूल के बारे में आज इजी समझते हैं। देखिएगा फ्लेमिंग रूल हम लोग समझेंगे। फ्लेमिंग रूल क्या होता है? सबसे पहला जो रूल होता है मेरा क्या होता है, ये हो जाता है लेफ्ट हैंड रूल। उसके अलावा बात करें तो सेकेंड में बात करें तो ये हो जाता है राइट हैंड रूल हो जाता है। तो ये दोनों रूल हमको समझना है और याद कैसे रखेंगे। सबसे बड़ा जो है चैलेंज यहाँ पे होता है। देखिएगा चैलेंज काफी ज्यादा होता होगा आप लोगों को, लेकिन आज के बाद जो है आपका चैलेंज सारा का सारा खत्म होने वाला है, ये मेरा दावा रहेगा 100%। चलिए आइए आज आपका चैलेंज कैसे खत्म किया जाए उस पर आज हम लोग वर्क करते हैं। देखिएगा लेफ्ट हैंड रूल के ऊपर में हम लोग चलिए ऊपर से लेके थोड़ा सा जो है पहले लेफ्ट हैंड रूल का संरचना को थोड़ा सा बना लेते हैं। देखिएगा लेफ्ट हैंड रूल का हम लोग संरचना थोड़ा सा कर लेते हैं। तो ये मेरा रहा लेफ्ट हैंड रूल का संरचना, इसी से हम लोग समझेंगे। ये जो है मेरा लेफ्ट हैंड रूल रहा, ऊपर में कर देते हैं F, बीच में कर देते हैं B, नीचे में कर देते हैं I, यानी F B I हम कर दिए, इसी से हम लोग याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे चलिए आइए आगे हम लोग देखेंगे। इधर चलिए आइए, इधर आ जाते हैं, इधर भी सेम संरचना करेंगे लेकिन राइट हैंड रूल के लिए राइट हैंड रूल के लिए संरचना हम लोग करने वाले हैं, ये चीज याद रखिएगा। इसके लिए करेंगे राइट हैंड रूल, इसमें क्या करेंगे M B I, ठीक है, ये चीज लिख लिए। अब यहाँ पे टर्म्स हम लोग समझेंगे ताकि जो है आपको दिक्कत ना हो। देखिएगा यहाँ पे समझिएगा, F मतलब हो गया आपका फोर्स, F फोर क्या हो गया फोर्स, फोर्स मतलब क्या हो गया बल, फोर्स मतलब क्या हो गया बल, B फोर हो गया मैग्नेटिक फील्ड, यानी चुंबकीय क्षेत्र, इसको क्या बोलेंगे चुंबकीय क्षेत्र। उसके बाद आई पर क्या हो गया करंट। चलिए इधर आते हैं, एम फोर हो गया मोशन, बी फोर हो गया फ्लक्स, बी फोर क्या हो गया फ्लक्स, आई फोर हो गया इंड्यूज करंट, क्या हो गया इंड्यूज करेंट, तो याद रखना है इंड्यूज करेंट। देखिएगा मोशन का क्या हो गया गति हो गया, मोशन को क्या बोलते हैं गति बोलते हैं, इंड्यूज करेंट को क्या बोलते हैं प्रेरित धारा, क्या बोलते हैं प्रेरित धारा, याद रखिएगा। और फ्लक्स का तो फ्लक्स ही बोलते हैं। अब समझिएगा हम लोग याद कैसे रखेंगे, एफ बी आई कर देंगे किसके लिए, एफ बी आई किसके लिए कर देंगे लेफ्ट के लिए कर देंगे एफ बी आई। अब यहाँ पे चैलेंज ये है कि हम इसको याद कैसे रखें। समझिएगा यहाँ पे आपको लेफ्ट लिखिएगा, क्या लिखिएगा लेफ्ट लिखिएगा। यहाँ पे देखिएगा एफ आपको दिख रहा है कहीं पे, एफ आपको कहीं पे दिख रहा है, कहिएगा हाँ लेफ्ट में एफ तो होता ही है, अगर लेफ्ट में एफ होता है मतलब फोर्स, मतलब फोर्स, अगर आपको फोर्स दिखे, अगर आपको फोर्स कहीं पे दिख जाए आप समझ जाइएगा वो लेफ्ट हैंड रूल है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट में फोर्स एफ आता है, एफ फोर क्या होता है फोर्स होता है, अगर एफ फोर फोर्स आया तो क्या कर लेंगे एफ बी आई, एफ बी आई लेफ्ट इज इक्वल टू क्या कर लीजिए यहाँ एफ बी आई, मतलब क्या हुआ एफ फोर फोर्स, बी फोर क्या हुआ मैग्नेटिक फील्ड, आई फोर क्या हुआ करेंट, इसका मतलब ये हुआ बल चुंबकीय क्षेत्र और क्या हो गया धारा, बल चुंबकीय क्षेत्र और धारा, यहां से आप ऐसे निकाल सकते हैं। उसके अलावा आइए राइट की तरफ, हमको आना है राइट की तरफ। राइट में देखिएगा आपको एम बी आई, राइट फोर क्या हो गया आपका, यहाँ पे करिए राइट, अच्छे से कर लीजिएगा आप लोग, राइट फोर क्या हुआ एम बी आई,
MBI, यहाँ पे देखिएगा प्रेरित धारा या फिर MBI जब भी दिखे, MBI जब भी दिखे तो यहाँ पे क्या करिएगा, RIGHT, यहाँ पे क्या करिएगा RIGHT, लेकिन यहाँ पे देखिएगा आपको याद रखना है MBI जब भी दिखे तो आपको क्या करना है, राइट करना है। M फॉर क्या हो गया, गति हो गया, B फॉर क्या हो गया, फ्लक्स हो गया, I फॉर प्रेरित धारा। अगर आपको प्रेरित धारा ऑप्शन में कहीं दिख जाए तो आपको सिंपल सा आपको समझना है कि वो क्या होगा, राइट हो जाएगा। अगर यहाँ पे बात करें तो FBI में अगर आपको फोर्स अगर कहीं दिख जाए आपको 100% आपको समझ जाना है वो क्या है, लेफ्ट हैंड रूल है। अगर आपको एग्जाम्पल के तौर पर देखना है तो एग्जाम्पल में यहाँ पे देखिएगा, इसको एग्जाम्पल कर लीजिए, एग्जाम्पल में लेफ्ट हैंड रूल का जो एग्जाम्पल होता है वो मोटर होता है। लेफ्ट हैंड एग्जाम्पल का रूल क्या होता है, मोटर होता है। उसके अलावा राइट हैंड एग्जाम्पल का रूल क्या होता है, तो राइट हैंड अगर आपसे एग्जाम्पल पूछे राइट हैंड रूल का एग्जाम्पल, तो ये क्या हो जाएगा, डायनेमो, क्या हो जाएगा, डायनेमो। उसके अलावा बात करें तो जनरेटर क्या होता है, जनरेटर, और भी होता है लेकिन आपको दो ही याद रखना है, आपका काम हो जाएगा। कभी कदा डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि देखिएगा मोटर जो है किस सिद्धांत पर वर्क करता है, तो आपको याद रखिएगा मोटर का बात करें तो मोटर जो है किस पे वर्क करता है, लेफ्ट हैंड, यानी फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल पे वर्क करता है। उसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि जनरेटर या फिर डायनेमो किस सिद्धांत पर वर्क करता है, तो आपको याद रखना है जनरेटर और अगर डायनेमो और जनरेटर का बात करें तो राइट हैंड रूल पर वर्क करते हुए दिखाई देता है। ये चीज आप आई होप यहाँ से समझे होंगे। आपको देखिएगा लेफ्ट करिएगा, लेफ्ट में लेफ्ट जैसे ही करिएगा तो देखिएगा आपको एफ दिखेगा, लेफ्ट जैसे ही करिएगा एफ दिखेगा। अगर आपको एफ जैसे ही दिखे आप कर लीजिएगा FBI, अगर आप FBI इधर कर लिए तो इधर क्या बच गया, MBI। इसका मतलब राइट जब भी करिएगा तो MBI, यानी क्या हो गया, एम फॉर मोशन, बी फॉर फ्लक्स, आई फॉर क्या हो गया, इंड्यूस करेंट। अगर यहाँ पे FBI करिएगा, F फॉर फोर्स, B फॉर क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड, उसके बाद I फॉर क्या हो गया करंट। तो ये चीज आप इस तरह से प्रैक्टिस करके याद रख सकते हैं, 2-3 बार अगर आप प्रैक्टिस कर लिए तो आप जीवन में कभी भी नहीं भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।